नमस्ते योगीश, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज हम लोग कुर्मासन के बारे में बात करेंगे। टॉर्टाइस पोज उसको भी बोला जाता है, और कैसे करेंगे, चलो मेरे साथ जुड़ेंगे आप। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इनिशियली कैसे हम लोग स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेटरी पोजेस कौन से हैं वो पहले जान लेंगे। आप दंडासन में बैठ सकते हैं, स्पाइन इरेक्ट। आप प्रिपरेटरी पोजेस के लिए आप अपने नीज को थोड़ा फ्लेक्सिबल इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों लेग्स के साथ फ्रेंड्स थोड़े से टोस लेग्स की एक्सरसाइज, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट। फिर आप इसके लिए पश्चिमोत्तान आसन की प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके लिए मेरी फॉरवर्ड बेंडिंग की वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। बिगनर्स हैं जो, वो ब्लॉक की हेल्प लेके भी फॉरवर्ड बेंडिंग सीख सकते हैं, और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप विदाउट ब्लॉक्स भी कर सकेंगे, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। Inhale up, exhale down. Inhale up, yes. इसके बाद हम चलो कुर्मासन की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए भी जो बिगनर्स हैं वो लोग नी को बेंड करेंगे, अपने हैंड्स को अंदर से निकालेंगे, इस पोजीशन में लाके आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल। जो बिगनर्स हैं वो नी को थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले लेंगे, फोल्ड करेंगे, आप हाथ अपने अंदर से निकालेंगे ऐसे बाहर, और इस पोजीशन पे आप रह सकते हैं। बिगनर्स इस पोजीशन पे ही रह सकते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स ओके फॉर देम। और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्लॉक से भी, आप इधर ब्लॉक रख सकते हैं अपने नी में, नी से आप इसको अंदर निकालेंगे और आप ऐसे रह सकते हैं। होल्ड कर लेंगे इस पोजीशन पे। और जो विदाउट ब्लॉक के सपोर्ट से कर सकते हैं वो आप धीरे धीरे से हैंड्स को और लेग्स को स्लाइड करके स्ट्रेच करेंगे, और फिर आप फाइनल पोजीशन पे जब तक आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे। सिर पूरा जमीन तक टच करके हैंड्स एंड लेग्स फुल स्ट्रेच्ड आउट। इस पोजीशन पे बने रहें जब तक आप रह सकते हैं, धीरे धीरे से वापस आएंगे। दंडासन पे, और फिर आप रिलैक्स करें। कुर्मासन में क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में जान लेते हैं। जिनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या स्टमक के रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, पीठ का सीवियर दर्द है, तो उन्हें ये आसन करना नहीं चाहिए।
या तो वेट करना चाहिए कि जब वो लोग उनकी हेल्थ इम्प्रूव्ड है। और फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स तो अनगिनत है, काउंटलेस बेनिफिट्स हैं इसके। आपको अगर डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल है, टमी रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैट्स है वो रिड्यूस होता है, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, लीवर, इससे पैनक्रियास, सब में बेनिफिट मिलेगा। अगर सब अपना बीपी कंट्रोल करने में, दिस इज़ अगेन एन हेल्पफुल आसना। आपका पेट प्रेस होता है, उससे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, सबके लिए ये आसन रेगुलर करने से आप ज़रूर बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिस आसन इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव एन एडवांटेज फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे सेफ, फिट एंड फाइन। Bless you all.